पहले आपको सर्कल बनाना है। सर्कल के बाद आपको उसका लेफ्ट साइड, या आप राइट साइड से भी उसको बना सकते हो, मतलब स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं इसको अभी लेफ्ट साइड स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं जस्ट शेप को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि किस तरह का इसकी मतलब शेप है। तो इस मतलब इसके फेस का किस तरह का शेप है, तो मैं वो ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो अब मैं बीच में सेंटर में मैंने लाइन खींच दी है, तो उससे मुझे क्या पता लगेगा कि मेरे को नोज़ किधर बनानी है और आइज़ के अंदर बीच में जो ये स्पेस रहता है वो कितना रखना है। तो आपको फर्स्ट थिंग ये ध्यान रखनी है इसके अंदर कि आपको आइज़ यहाँ से मतलब कितने से कितनी दूर बनानी है। आइज़ का ऑलमोस्ट बीच का जो स्पेस होता है वो होता है एक आइज़ का, मतलब अगर आइज़ इतनी बड़ी है तो इस आइज़ के बराबर ही ये जो गेप होएगा, तो इस गेप के हिसाब से मान लो फिर इतना बड़ा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आईज़ होगी वो जो आपका फोरहेड है उससे कितनी नीचे है। तो आईज़ ऑलमोस्ट ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए बना दी, तो उसको अभी मैं नीचे करूँगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर देन आपको नोज़ का मेज़र करना है कि नोज़ जो है वो आईज़ से कितनी नीचे है। तो हर एक मिली इंच का या फिर कुछ भी जो छोटा सा भी स्पेस है वो आपको इग्नोर नहीं करना। अगर आपको एग्जैक्ट बनाना है फ्री स्केचिंग में, तो आपको हर एक पार्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। कि जैसे कि अगर आपको पता नहीं चल रहा कि आइस कितनी से कितनी दूर है, तो आपको शेडो को मेज़र करना पड़ेगा कि शेडो अगर इतनी मोटी है, शेडो अगर इतनी मोटी है तो आइस यहाँ पे आ रही है, और फिर देन अगली शेडो कहाँ पे ख़त्म हो रही है, देन फिर शेडो से कितनी नीचे इसकी नोज़ का जो है पार्ट है, लास्ट पार्ट बोलो तो। आपको वो सब ध्यान रखना है। तो अभी मैं इसको इरेजर कर देता हूँ, देन आपको दिखाता रहूँगा कि मैं कैसे बना रहा हूँ। इसकी आईब्रो जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ तक लगे, और इसका जो थोड़ा पार्ट है आईब्रो का वो यहाँ तक लगा रहा है। देन इस पार्ट से आईब्रोज क्या है वो यहाँ पे जो है इसकी एक शेडो आ रही है, वो है आईज के साइड की। तो मान लीजिए यहाँ पे आईज की शेडो आ गई, तो आपको छोटी छोटी शेडो का ध्यान रखना है, शेडो को फॉलो करते रहना है, देन आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, और प्रैक्टिस करते रहना हमेशा। शेडो का जो सबसे मेन चीज़ क्या है वो है शेडो। शेडो से आपको ऑलमोस्ट 90% पता लग जाता है कि आपको जो है आईज़ या फिर कुछ भी जो पार्ट है फेस का वो कहाँ कहाँ बनाना है और कितना स्पेस बीच में छोड़ना है। तो आपको शेडो का ध्यान रखना पड़ेगा, जो शेडो फेस पे आ रखी है थोड़ी सी भी, जैसे कि शेडो जो है इसके यहाँ पे आ रखी है, तो मैंने शेडो ये वाली बनाई है।